आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने और जेजेपी ने विधानसभा के चुनाव के वक्त पे बड़े जोर शोर से वायदे किए थे, शराब के खिलाफ, अवैध बिक्री के खिलाफ, और गांव में ठेके बंद कराने की बात जेजेपी ने बहुत जोर शोर से उठाई थी। परंतु आज इस कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान, हरियाणा के घर घर के अंदर अवैध रूप से शराब की सप्लाई जारी रही, सरकार मौन है। जिला रोहतक के अंदर सरकारी शराब की चोरी का मामला सामने आया, जो पुलिस ने सील करके रखी हुई थी, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस के पूर्व विधायक और जेजेपी के वर्तमान उपाध्यक्ष, और जिन्होंने जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, सत्वेंद्र राणा जी, कल वो शराब की चोरी के अंदर संभाल का जिला पानीपत के अंदर खुलेआम उजागर हुआ। खट्टर साहब अभी चुप है, दुष्यंत जी भी चुप है। क्या ये सरकार के संरक्षण के अंदर चोरी हुई है? अपराधियों के ऊपर लगाम कब तक लगेगी? इस प्रकार के कार्य हरियाणा में कब तक होते रहेंगे? हरियाणा की जनता जवाब मांगना चाहती है। किसान परेशान है, हजारों नौजवानों की नौकरियां छूट गई हैं, किसी को आधी तनख्वाह मिल रही है। परंतु इस वक्त जब मजदूर भूख से मर रहा है, शराब का कारोबार खुलेआम आगे बढ़ रहा है, विचार करने की जरूरत है कि किस दिशा के अंदर हरियाणा जा रहा है। मैं माननीय खट्टर साहब से निवेदन करूंगा, विज साहब से निवेदन करूंगा, इस प्रकार के गतिविधियों पर लगाम लगाए ताकि हरियाणा आगे बढ़ सके। हरियाणा में चिकित्सा और शिक्षा के अच्छे प्रबंध हो, हरियाणा के अंदर दारू का अवैध कारोबार बंद हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।